और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। आम चुनाव हो चुके हैं और उसके बाद अब जो है ये सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, 6 IAS अधिकारियों के तबादले जो है वो किए गए हैं। प्रशासनिक अमले में बड़ा फेरबदल यहां पर किया गया है। जानकारी है कि 6 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। हालांकि इन IAS अधिकारियों को कौन सा क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है इसके बारे में अभी जानकारी नहीं सामने निकल कर आ पाई है। जैसे ही अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बताते चले कि इस पूरे मामले का कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर दिया है और इसका एक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके आधार पर यह जानकारी दी गई है। तो 6 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए, प्रशासनिक अमले में बड़ा फेरबदल ये किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले कि कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। नवीन महाजन मुख्य निर्वाचन अधिकारी हुए हैं। प्रकाश चंद शर्मा और विशेषाधिकारी मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो बड़ी खबर यहां पर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। नवीन महाजन मुख्य निर्वाचन अधिकारी जहां होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जानकारी ये भी सामने निकल कर आई है कि जिस तरीके से 6 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं तो इसको लेकर के अब इसका आदेश भी कार्मिक विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस मामले की जानकारी दी गई है कि नवीन महाजन मुख्य निर्वाचन जो है अधिकारी के तौर पर रहेंगे। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रशासनिक अमले में बड़ा फेरबदल करते हुए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आई है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि 6 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। कार्मिक विभाग ने इस पूरे मामले का आदेश जारी कर दिया है। नवीन महाजन मुख्य निर्वाचन अधिकारी जहां होंगे, तो वही जानकारी ये सामने निकल कर आई है कि विशेषाधिकार मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र शर्मा को ये जिम्मेदारी जो है ये सौंपी गई है। अब वो विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का पद जो है वो संभालते हुए नजर आएंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन होंगे जो आगे की कार्य योजना को आगे बढ़ाएंगे और रूपरेखा जो है इस विभाग की तय करते हुए नजर आएंगे। 6 IAS अधिकारियों के तबादले करते हुए कार्मिक विभाग ने पूरे मामले का लेकर के अपडेट दिया है, जानकारी दी है कि प्रशासनिक अमले में फेरबदल किया गया है जिनमें 6 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। दो लोगों को कौन सा विभाग जो है वो सौंपा गया है, किस चीज़ की जिम्मेदारी दी गई है, इसकी जानकारी सामने निकल कर आ गई है। 4 लोगों को हालांकि कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है इस बारे में अपडेट अभी सामने नहीं आया है। जैसे ही अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि 6 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं और कार्मिक विभाग ने इसका नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस मामले की जानकारी दी और बताया गया कार्मिक विभाग की तरफ से कि IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर 6 IAS अधिकारियों के तबादले करते हुए इस मामले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो बताते चले कि आम चुनाव हो चुके हैं और उसके बाद जहां प्रदेश की सरकार 3 से 3.5 महीने के बाद कार्ययोजनाओं को आगे बढ़ा रही है। सूबे के मुखिया लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और इस चीज पर मुहर लगाते हुए नजर आए हैं रहे हैं कि जो कार्य है उनको आगे बढ़ाया जाए। और इसी बीच जानकारी है कि 6 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश, 6 कार्मिक जो IAS अधिकारी हैं उनके तबादले कर दिए गए, आपके पास क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है और विधानसभा सत्र से पहले राज्य सरकार पूरी तरीके से अब लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद अब एक्टिव मोड में आ गई है और जो पुराने अधिकारी थे नई पोस्टिंग देने के लिए जिस तरीके से प्रशासनिक सर्जरी सरकार को करनी है वो प्रशासनिक सर्जरी का ये एक हिस्सा है। उसी के तहत 6 IAS अधिकारियों को आज जो उनकी जिम्मेदारियों में बदलाव किया गया है। सबसे बड़ी बात ये, प्रकाश चंद शर्मा जो है वो मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी बने हैं और अहम जिम्मेदारी इनको मिली है। वहीं जो अब तक राज्य चुनाव आयोग के जो मुख्य आयुक्त थे प्रवीण गुप्ता, उनको अब PWD में प्रमुख शासन सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है, यानी सरकार ने यहाँ बदलाव किया है। इसके अलावा नवीन महाजन, उनको अभी जो जिम्मेदारी दी है उनको मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है उसकी जिम्मेदारी सौंपी है। हिमांशु गुप्ता हैं, उनको अभी प्रबंध निदेशक ग्रामीण कृषि क्षेत्र यानी रूडा
का जिम्मा सौंपा गया है, यानी अब संदीप वर्मा है उनको अध्यक्ष जो है एवं प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य भंडारण निगम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब सरकार अपना एक रोड मैप तैयार करिए किस तरीके से राजस्थान में जो प्रशासनिक मशीनरी काम करेगी, कौन कौन अधिकारी, चूंकि ये अब संभवतः विधानसभा सत्र से पहले पहली सूची है, इसके बाद अब ये सूचियां आना जारी रहेगा और निश्चित तौर पर अब सरकार अपने मूल स्वरूप में काम करने के लिए तैयारी हो रही है। जो अधिकारी जिनकी छवि साफ सुथरी है, अच्छी है और जो काम की पहचान रखते हैं, वहां वहां पर अब नियुक्ति देने की तैयारी की जा रही है। चूंकि जो ये 6 IAS अधिकारी आए हैं, निश्चित तौर पर इनके कामकाज को लेकर सरकार में संतुष्टि है और कामकाज बेहतर रहा है अब से पहले, इसीलिए इनको जो अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। चूंकि विधानसभा का सत्र कल से शुरू होगा और उस सत्र के बाद ये सिलसिला जो तबादले ट्रांसफर पोस्टिंग का आगे भी जारी